हेलो भाई, नमस्कार सभी लोगों को। कैसे हो भाई साहब? सारे लोग आई होप सब बढ़िया होंगे। मेरा ब्रेन हैमरेज हो रखा है ना, तो अभी तबीयत मेरी ठीक नहीं है, तो इसलिए मैं सोता रहता हूँ घर पे। पंखा देखो मैडम ने चला रखा हमारा, ये पंखा चल रहा है। ये देखो हाथ हमारे, इससे डायलिसिस होती है, हमारी किडनियाँ भी ख़राब हैं। एक निडल यहाँ लगती है, एक निडल यहाँ लगती है, एक फिस्चुला बना हुआ है। इस वाले पैर में पैरालिसिस हो रखा है, थोड़ा थोड़ा चलता है पैर। मैडम अभी है नहीं, मैडम गई हैं, मैडम ये गई हैं बाज़ार। अभी मकान बन रहा है, उसका कुछ काम है, उसका काम के लिए गई हैं बाज़ार। मैं यहाँ लेटा हूँ, उनका यहाँ चल रहा है। वो आती हैं तब वीडियो में दिखाता हूँ। आज आप लोगों को मैं मकान भी दिखाऊंगा, अपना वीडियो में दिखाऊंगा। कितना पसीना, पंखा भी चल रहा है फिर भी मुझे बहुत पसीना आता है। नहाते हुए मैं तो गमछा रखा हुआ है, इससे पोंछ लेता हूँ, बहुत पसीना ही पसीना आता है। मैंने अपना डाइट प्लान पूरा चेंज, डाइट पूरा चेंज कर रखा है। पहले मैं मिर्च मसाले चाउमीन मोमो सब खाता था, उसी वजह से हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, उसी वजह से ब्रेन हैमरेज हुआ। और डायलिसिस पेशेंट तो पहले से ही था मैं। अब क्या हुआ, जब से मेरा ब्रेन हैमरेज हुआ और मैं डिस्चार्ज होकर हॉस्पिटल से आया हूँ 1-1.5 महीने बाद, तब से मैंने क्या काम चालू किया है कि बॉयल खाता हूँ, खाली रॉ खाता हूँ, फल सलाद। सलाद मीन्स जूस, सलाद जैसे खीरा है, लौकी है और टमाटर है, इनका मैं मिक्सी में जूस बना लेता हूँ। जूसर से सुबह सुबह खाली पेट जूस पीता हूँ 8-9 बजे। उसके बाद जब भूख लगती है 10-11 बजे तो फल खा लेता हूँ, और 12-12.5 बजे कुछ लंच बना दिए मैडम तो लंच कर लेता हूँ। आज दाल चावल बनाए थे तो दाल खा ली, शाम को फल खा के सो जाता हूँ। यही हमारी है इसमें, और जो भी खाना हुआ है मैं चूल्हे पे बना हुआ, मैं खाना कम खा रहा हूँ आजकल, कम क्या ना के बराबर ही खाता हूँ। मैं खाता हूँ बाजरे और मक्के की रोटी सिर्फ, और कुछ नहीं खाता हूँ। रोटी और चावल बिल्कुल, गेहूँ की रोटी और चावल मैंने बिल्कुल बंद कर रखी है, और केवल खाता हूँ बाजरे की और मक्के की और जिंदरी, जिंदरी बोलते हैं जिंदरी की रोटी, जिंदरी और बाजरे की रोटी खाता हूँ। वो भी धनिया की चटनी के साथ, धनिया की चटनी, प्याज छील दिया, हरी मिर्च ले ली, एक बस, एक बूंद भी तेल नहीं खाता मैं बिल्कुल भी, एक बूंद। मेरे को लगभग 2 महीने हो गए मैंने एक बूंद तेल नहीं खाया, ना मैं कभी खाऊंगा पूरे जीवन में, कभी नहीं खाऊंगा तेल। तेल से तो बहुत नफरत होगी, मैं जब से स्टोव पड़ा है मुझे तेल से नफरत होगी। और सूप पीता हूँ उसमें भी कोई तेल वेल नहीं, जैसे लौकी का पीता पीना है तो क्या करता हूँ, लौकी ली, उबाल लिया उसको, फिर ठंडा करने के बाद मिक्सी में पीस लिया, और अगर जितना गाढ़ा रखना है जितना पतला रखना है तो थोड़ा पानी डाल के एक उबाल मारता हूँ, बस उसी को नमक डाल के पी जाता हूँ। अपना इच्छा के अनुसार नमक कम डालता हूँ, 80% हूँ नमक ज़्यादा खाता हूँ तो नमक भी कम डालता हूँ। बस वो शाम को पी लेता हूँ सूप, और 12 बजे फल ही खाता हूँ ज़्यादातर, ज़्यादा भूख सताती है तो थोड़ा बहुत खा लेता हूँ, वो भी दाल खाली, वो भी 4-5 दिन में एक बार, हफ्ते में एक बार दाल, बाकी तो खाली सूप और फल, फलों का जूस और फल और सूप, इसके अलावा कुछ भी नहीं। पेट ही मेरा पहले बहुत कम हो गया तो, और आगे भी मैडम आएंगी तो आप लोगों को दिखाऊंगा मैं बातचीत करके।